हाय दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनी जीरो एट आई और रियलमी 7 के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये दोनों स्मार्टफोन के फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन का कीमत जो है वो 15,000 से शुरू होता है। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको इन्फिनिक्स जीरो एट आई में रियलमी 7 से अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो एट आई में आपको 6.85 इंच का 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और रियलमी 7 में आपको 6.5 इंच का 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोस्तों, अगर बैटरी की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो एट आई में आपको 4500 एमएएच की बैटरी दी गई है और 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाता है। और रियलमी 7 में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है और आपको बॉक्स के अंदर ही चार्जर दिया गया है 30 वाट का। दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो एट आई में आपको मीडियाटेक का हेलियो G19T का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आप हैवी गेम आराम से खेल सकते हैं। और रियलमी 7 में आपको मीडियाटेक का G19 5 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इन्फिनिक्स जीरो एट आई से अच्छा प्रोसेसर मिलता है। रियलमी 7 आई में आप इसमें भी हैवी गेम, कोई भी हैवी गेम आराम से खेल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इन्फिनिक्स जीरो एट आई में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और रियलमी 7 में आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर दिया गया है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा सा कैमरा सेंसर दिया गया है। दोस्तों, अगर सेल्फी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पंच होल सेल्फी देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको इन्फिनिक्स जीरो एट आई में आपको डुअल पंच होल सेल्फी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। और रियलमी 7 में आपको सिर्फ सिंगल पंच होल सेल्फी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अच्छा कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा आपको रियलमी 7 में कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन करके तो देख लिए कि किसमें सबसे ज़्यादा फीचर मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रियलमी 7 लेने के लिए बोलूँगा। इसका चार कारण है। ये दोनों ही स्मार्टफोन का जो कीमत है वो सेम मिलता है, 15,000 में मिलता है ये दोनों ही स्मार्टफोन। और दूसरा कारण है बैटरी। इन्फिनिक्स जीरो एट आई में 4500 एमएएच की बैटरी दी गई है, लेकिन आपको रियलमी 7 में 5000 एमएएच की बैटरी मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी में रियलमी 7 आगे निकल कर आता है। और तीसरा कारण है प्रोसेसर। आपको इन्फिनिक्स जीरो एट आई में मीडियाटेक का G19T का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन आपको रियलमी 7 में आपको G19 5 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि G19T से ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है आपको रियलमी 7 में। और चौथा कारण है कैमरा। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल रियलमी 7 में मिलता है, वो भी आपको सोनी का सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरा में भी रियलमी 7 आगे निकल कर आ जाता है। तो ये चार कारण है रियलमी 7 लेने के लिए। तो आप रियलमी 7 को ले सकते हैं। इन्फिनिक्स जीरो एट आई भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन आप रियलमी 7 लें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना। शायद आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं। बाय।